आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह हफ्ता इस साल का और इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट हफ्ता साबित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली गदर 2, ओ माय गॉड 2, भोला शंकर और जेलर सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार और धमाकेदार कमाई कर रही है। तो वहीं दोस्तों पिछले दो हफ्ते पहले रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी अपने तीसरे हफ्ते रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दोस्तों इस फिल्म को बड़ी बड़ी फिल्मों से कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं दोस्तों कि बॉक्स ऑफिस की बाजी आज के दिन किसने मारी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म रॉकी और रानी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो हफ्ते पहले रिलीज की गई थी और दोस्तों आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 16वां दिन है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र देओल सर, जया बच्चन और शबाना आजमी नजर आई है, जिसका डायरेक्शन किया है करण जौहर ने। अपने फर्स्ट वीक में दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था और यही वजह है कि इस फिल्म ने 73 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई इंडिया से और 150 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की थी। अपने दूसरे हफ्ते भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 47 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 246 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते की भी शुरुआत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की है और दोस्तों गदर 2, ओ माय गॉड 2 और जेलर से मिल रहे कंपटीशन के बावजूद भी इस फिल्म ने अपने 15वें दिन 2 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए और आज यह फिल्म अपने 16वें दिन लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन वो 126 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म आज 256 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। जल्द ही दोस्तों यह फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होकर बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बनी रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अब इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी सर की मच अवेटेड फिल्म भोला शंकर, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको चिरंजीवी सर के अलावा तमन्ना भाटिया और कीर्ति सुरेश नजर आई है। मेहर रमेश के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये तेलुगु फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 1600 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी और इन 1600 स्क्रीन पर दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिलते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि भोला शंकर जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, इस फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो ऑडियंस को लाने में कामयाब रही, क्योंकि दोस्तों चिरंजीवी सर की जो फैन फॉलोइंग वो काफी पुरानी और काफी लॉयल फैन बेस है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी उनकी इस फिल्म को अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां मात्र 25 करोड़ की ही ओपनिंग मिल पाई है, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर से यह फिल्म लगभग 35 करोड़ रुपए ही कमाने में कामयाब रही। ऑडियंस तो दोस्तों इस फिल्म को देखने गई थी, लेकिन दोस्तों यह फिल्म जिस तरह की बनी है उसके बाद इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज का सामना करना पड़ा है। आज ये फिल्म अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है और आज के इस फिल्म के कलेक्शंस लगभग 7 करोड़ रुपए के ही आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन लगभग 27 करोड़ रुपए का हो चुका होगा, तो वहीं दोस्तों इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 38 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर से अभी तक 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है और इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि दोस्तों रजनीकांत सर, मोहनलाल सर, जैकी श्रॉफ और कई सारे एक्टर्स नजर आए हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली ये भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में दोस्तों रजनीकांत अन्ना का जो स्वैग और उनका स्टाइल देखने को मिला है वो ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है। जेलर को दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में इस हफ्ते लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और इन 2000 स्क्रीन पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन ऑडियंस का दिल जीतते हुए इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग ली और हाफ सेंचुरी तो इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन मार ली थी। तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन भी ये फिल्म ऑडियंस को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब रही। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज और क्रिटिक्स की तरफ से मिली हुई काफी अच्छी रेटिंग्स की वजह से दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 57 करोड़ रुपए की कमाई ऑल इंडिया ग्रॉस से की और 91 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जो
जो कलेक्शन है वो लगभग 35 करोड़ रुपए का रहा। शुरुआती दो ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 92 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी थी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 140 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों गदर 2, ओ माय गॉड 2, भोला शंकर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और भी कई सारी फिल्मों से मिल रहे कॉम्पिटिशन के बावजूद भी रजनीकांत सर की ये जो फिल्म है वो आज अपने तीसरे दिन एक बार फिर से रिकॉर्ड कमाई करती हुई नजर आ रही है। आज के भी दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो कल से बेटर है और ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते ही 100 करोड़ रुपए के क्लब में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शामिल हो चुकी होगी। ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 130 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो आज का भी कलेक्शन है वो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। ऐसे में इस फिल्म का जो टोटल है वो 190 करोड़ रुपए का तीन ही दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। और दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत सर की ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इस साल की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों अब यहां पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही बॉलीवुड की दो सबसे मच अवेटेड फिल्में यानी कि दोस्तों ओ माय गॉड 2 और गदर 2 के बारे में, तो दोस्तों ओ माय गॉड 2 जिसके लीड में आपको बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार और दोस्तों यामी गौतम नजर आई है। लीड दोस्तों इस फिल्म में जो एक्चुअल किया है वो किया है पंकज त्रिपाठी जी ने। अमित राय के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ओ माय गॉड 2 एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को लगभग 70 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था, जिसे कि ऑल ओवर इंडिया में मात्र 1600 स्क्रीन्स दी गई थी। इन 1600 स्क्रीन्स पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो एडवांस के मामले में इस साल रिलीज होने वाली बड़ी बड़ी मास एक्शन फिल्मों को पीछे कर दिया। लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन उन सभी हेटर्स की भी बोलती बंद कर दी जो कि इस फिल्म को अपने पहले दिन और रिलीज से पहले ही फ्लॉप बता रहे थे। अक्षय कुमार के इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी बढ़िया रिव्यूज मिलते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी है। यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां डबल डिजिट के आंकड़ों को पार करते हुए 10 करोड़ 11 लाख रुपए कमाए हैं, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही है। ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से इस फिल्म के आज अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शन है उसमें लगभग 70% से ज्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है, जबकि दोस्तों इस फिल्म का क्लैश गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म से हुआ है। उसके बावजूद भी दोस्तों ओ माय गॉड 2 आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 6.5 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर ओपन हुई थी। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी उसमें आज लगभग 70% की ग्रोथ देखी गई है और यही वजह है कि यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर नॉर्मली 15.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 20 से 21 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 25 करोड़ से ज्यादा का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 36 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। अक्षय कुमार की इस फिल्म को हिट होने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की कमाई करनी है और जिस तरह से दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है ये फिल्म दोस्तों कल 20 करोड़ और हो सकता है कि अपने 5 दिनों के वीकेंड में ही अपने बजट की रिकवरी करके सुपरस्टार अक्षय कुमार के लिए एक सुपरहिट फिल्म साबित हो। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि दोस्तों गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है और दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली गदर 2 जिसके लीड में आपको सुपरस्टार सनी देओल और दोस्तों अमीषा पटेल नजर आई है, उनका साथ दिया है उत्कर्ष शर्मा ने। लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों गदर 2 को ऑल ओवर इंडिया में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इन 4000 स्क्रीन्स पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली और 40 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई अपने पहले ही दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से की। तो वहीं दोस्तों लगभग 60 करोड़ रुपए इस फिल्म ने दुनिया भर से कमाए। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को फैंटास्टिक रिव्यूज मिल रहे हैं, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई नजर आ रही है और दोस्तों जिन लोगों ने इस फिल्म से ड्रॉप की उम्मीद की थी उन सभी की भी बोलती आज बंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस फिल्म के जो आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के शो है उनमें लगभग
10-15% की ग्रोथ देखी जा रही है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने दूसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ग्रोथ के साथ लगभग 43 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 83 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म आज 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 122 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी होगी। सुपरस्टार सनी देओल की इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं और यही वजह है कि यह फिल्म दोस्तों अपने 5 ही दिनों में 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली इस साल की और इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बनने वाली है। आपके हिसाब से दोस्तों इन 5 ही फिल्मों में कौन सी फिल्म बेस्ट है, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।